إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقران المجيد بل أجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أيذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله फ़कदफ़ा फ़ा उजा नाजीमा मोहतरम हाजरीन हर तरह की तारीफ व तोसीफ़ इज्ज़त और बड़ाई बुजुर्गी और किबरियाई उसबालमीन के लिए लायक और जेबा जो सारे जहान का अकेला खालक है मालिक है हाकिम है राज़ है जिसके हाथ में पूरी दुनिया की बादशाहत है और जो अपने अर्श पर होते हुए पूरी कायनात का निज़ाम चला रहा है बादहु उसके तमाम नबियों और रसूलों पर दरुद सलाम नाजिल हूँ खसूस आखिरी नबी हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आखिरी नबी आखिरी रसूल आखिरी पैगंबर बनाकर इस दुनिया के लिए भेजे गए जिनके बाद अब क़यामत तक कोई नबी आने वाला नहीं है मोहतरम हाजरीन पिछले जुमा के खुतबे में मैदान महशर की हौल इस मौजू पर बहुत सारी बातें हुई थी और मैंने वादा किया था कि ये सिलसिला अभी जारी रहेगा महशर की कुछ हौलनाकियों का तस्करा किया था और ये बात बताया था कि महशर में अल्लाह के अर्श के सए के अलावा कोई साया नहीं होगा सात ख़ुश नसीब के लोग होंगे जिनको अल्लाह तबारक वाली अपने अर्श के साए में जगह देगा वो सात खुशनसीब जिनमें से पाँच के ताल्लुक से बात हो गई थी इंसाफ़ करने वाला बादशाह जो अपनी रियाया के दरमियान किसी तरह का कोई भेदभाव ना करता हो और सबके साथ इंसाफ़ का मामला करता इसी तरीके से हर वो इंसान जो अपने मातहतीन के दरमियान इंसाफ़ से काम ले अल्लाह ताला उसको अर्श के साए में जगह देंगे दूसरा शख्स वो नौजवान जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुज़ारी हो ज़िंदगी के तमाम मरहले में अल्लाह की इबादत करनी है लेकिन जवानी की इबादत अल्लाह को ज़्यादा पसंद है इसलिए जवानी में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर लेनी चाहिए इसलिए कि जब इंसान बुढ़ापे में पहुंच जाता है तो बीमारियों की वजह से कमज़ोरियों की वजह से परेशानियों की वजह से बहुत सारी इबादतें करना चाहता है फिर भी नहीं कर पाता तो जवानी में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर लेनी चाहिए और जवानी की इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है तीसरा वो शख्स जिसका दिल हमेशा मस्जिद में लगा रहता है यानी मस्जिद से मोहब्बत करता है एक नमाज पढ़ के निकलता है तो फिर सोचता है कि कब नमाज का वक्त हो फिर मस्जिद में आए अल्लाह की इबादत करे मस्जिदों को आबाद करे तो ऐसा शख्स जिसका दिल हमेशा मस्जिद में लगा रहता है ऐसे शख्स को अल्लाह ताला अपने अर्श के साय में क़यामत के दिन जगह देगा चौथे वो दो शख्स जो एक दूसरे से अल्लाह की खातिर मोहब्बत करते जब वो मिलते हैं तो भी अल्लाह के लिए और आपस में जब वो जुदा होते हैं तो भी अल्लाह के लिए यानी इंसान किसी से दोस्ती करे तो सिर्फ़ अल्लाह की खातिर और किसी से दुश्मनी हो तो भी अल्लाह की खातिर तो ऐसे लोग जो अल्लाह के लिए दोस्ती करते हैं अल्लाह के लिए दुश्मनी करते हैं ऐसे दो लोगों को भी अल्लाह तबारक तआला अपने अरश के साए में जगह देगा पाँचवा वो शख्स जिसको किसी औरत ने बदकारी के लिए बुलाया वो औरत हसीन और खूबसूरत भी हो और किसी बड़े अहदे और मनसब पर भी कायम हो लेकिन ये शख़्स ये कहे कि मुझे अल्लाह का खौफ मुझे अल्लाह का डर महसूस होता है अल्लाह के खौफ से अल्लाह के डर से वो उससे बदकारी न करे अपने आप को बदकारी से बचाए अल्लाह की खातिर तो ऐसे शख्स को भी अल्लाह तबारक कयामत के दिन अपने अर्श के साए में जगह देंगे ये पांच लोग हैं जिन पर तफसल से गुफ्तु हो चुकी है छठा वो शख्स जिसके बारे में नबी ने फ़रमाया व रजुल तसद का बेसदा तनफ़ाक़ाह हतमा शिमाल मातुनफ़ो यमीन हो पाँचवा शख्स वो होगा छठा शख्स वो होगा जिसने अल्लाह के रास्ते में ख़र्च किया किसी को कुछ दिया अपने दाहिने हाथ से दिया इस कदर छुपा कर दिया कि बाएं हाथ को भी मालूम नहीं पड़ा मालूम ये हुआ कि किसी की मदद करें तो खामोशी के साथ करें दिखाना जाहिर करना ये अल्लाह को पसंद नहीं असलाफ की तारीख पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि हमारे असलाफ़ जब किसी की मदद करते थे तो बहुत छुपा कर करते थे कभी कभी दिखा कर देना भी जायज़ और दुरुस्त है हालात के अतबार से कुरि मजीद में अल्ला तबारक ने फ़रमाया अगर तुम अपने सदक़ात को ज़ाहिर करो तो ये भी जायज़ और दुरुस्त है लेकिन अगर छुपा कर देते हो तो ये ज़्यादा बेहतर है तो कभी कभी छुपाना बेहतर रहता है कभी कभी दिखाना बेहतर रहता हालात के हिसाब से अगर आप किसी की शख्सी मदद कर रहे हैं किसी इंसान की मदद कर रहे हैं तो छुपा कर देना बेहतर है क्यों इसलिए कि वो शख़्स जिसको आप दे रहे हैं अगर ज़ाहिर करेंगे तो उसकी शख्सियत मज़रू होगी आप उसकी थोड़ी सी मदद कर देंगे लेकिन वो शख्स दूसरों की निगाह में मज़रू हो जाएगा लोग उसे हकारत की निगाह से देखेंगे और कहेंगे कि यह आदमी सदका खैरत खाता है तो ऐसे लोगों को जब आप किसी को पर्सनल जाति, शख्सी मदद करें तो उसको छुपा कर देना बेहतर है अल्लाह के नबी सल्ला वसम फरमाते हैं कियामत के दिन मैदान महशर में इंसान अपने सदके के साय में होगा इंसान जो सदका करता है अल्लाह तबारक वाली उस सदक़े को एक छतुरी की तरह से उसके ऊपर डाल देगा और एक हदीस में है कि सदका करने वाला अल्लाह तबारक वाली की निगाह में महबूब हो जाता है अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देता सदक़ा इंसान का करना या अल्लाह के गज़ब को ठंडा कर देता तो इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सदक़ा खैरत करे जब आप किसी की मदद करें तो छुपा कर करें ताकि दूसरे को किसी को मालूम ना हो और सामने वाली की शख्सियत मजरूह ना हो हमारे असलाफ़ जो छुपा कर सदा करते थे अल्लाह के नबीम ने एक मिसाल बयान की है कि पहले ज़माने में एक शख़्स था उसने अशरफियों की एक थैली ली अशरफी सोने की होती है सोने से भरी हुई एक थैली ली और रात के अंधेरे में निकला कभी कभी हम पढ़ते हैं तो एहसास होता है कि असलाफ जो सदका खैरात करते थे अक्सर रात में करते थे फिर रात में क्यों करते थे दिन में भी किया जा सकता है लेकिन रात में करने की हमत ये थी कि रात के अंधेरे में किसी दूसरे को मालूम ना हो हमारे बहुत सारे असलाफ के वाकयात मैंने पढ़ा है वो किसी की मदद करना चाहते थे तो मदद का सामान लेकर के उसके दरवाज़े पर पहुंचते थे और दरवाजे पर रख देते थे और दरवाज़े पर दस्तक दे करके चले जाते थे बाहर निकलता था आदमी देखता था कि उसके सामने उसके दरवाज़े के सामने सामान रखा हुआ है आज हैं ऐसे लोग आज हम किसी को टूटी फूटी चीज़ें देखते हैं देते हैं मदद करते हैं तो उसका फोटो खींचते हैं पेपर में डालते हैं व्हाट्सएप पर डालते हैं इंस्टाग्राम पर डालते हैं फेसबुक पर डालते हैं जितना मदद नहीं करते हैं उससे ज़्यादा जलील करते हैं उसको ये चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही हर चीज़ में आदमी रियाकारी कर रहा है हर चीज़ में आदमी दिखावा कर रहा है अल्लाह के अर्श के सए में वो शख्स होगा रजुल तसद का बेदकतिन फाखफा हाल तम शिम लहुमत उनफिकमीन हो वो शख्स अल्लाह के अरश के साय में होगा जिसके दाहने हाथ ने ख़र्चा किया सदका किया बाएं हाथ को मालूम नहीं पड़ा इसलिए कुछ नहीं किया ऐसी करो जो आपको मालूम हो आपकी बीवी को भी ना मालूम हो आपके बच्चों को भी ना मालूम ताकि अल्लाह के सामने ये कह सको कि है अल्लाह ये काम मैंने सिर्फ तेरी रज़ा के लिए किया था तो वो शख्स अशरफियों की थैलियां लेकर निकला बाहर देखा कि एक शख्स टहल रहा है और उसने अशरफी की थैली उसके हाथ में दे दी आके सो गया सुबह को उठा तो किसी ने कहा कि आज चोर को अशरफियों की थैली मिल गई है यह आदमी बहुत परेशान हुआ कहा अल्लाह मैंने तो किसी चोर को देने का इरादा नहीं किया था मैं सोचा था किसी गरीब आदमी को मुस्तक आदमी को दे दूं मेरी नादानी की वजह से मेरे शर्फियों की थैली एक चोर के हाथ में चली गई कितना नेक था दूसरे दिन फिर एक थैली लिया उसने उसमें अशर्फियाँ भरी लेकर के बाहर निकला देखा कि एक औरत टहल रही है उस औरत को इसने अशर्फियों की थैली दे दी आके सो गया सुबह को मालूम हुआ कि किसी बदकार औरत को एक अशरफियों की थैली मिल गई है ये शख्स बहुत परेशान हुआ अल्लाह मैं किसी बदकार औरत को नहीं देना चाहता था मेरी नादानी की वजह से अशरफियों की थैली एक बदकार औरत के पास चली गई कितना नेक था तीसरे दिन फिर एक थैली लिया उसमें अशरफियां भरी लेकर के बाहर निकला देखा कि एक शख्स टहल रहा है उसके हाथ में अशरफियों की थैली दे दी सुबह को मालूम हुआ कि एक मालदार को अशरफियों की थैली मिल गई है एक थैली चोर के पास चली गई एक थैली बदकार औरत के पास चली गई एक थैली मालदार के पास चली गई यह आदमी बहुत परेशान हुआ मेरी तीन अशरफियों से भरी हुई थैलियाँ गैर मुस्तहिक लोगों के पास पहुँच गई अल्लाह ताला ने उस वक्त के नबी के पास ये वही भेजी पैगाम भेजा कि मेरे फलां बंदे के पास जाओ और उससे कह दो कि उसकी तीनों अशर्फियों की थैलियां अल्लाह के यहां कबूल हो गई हैं वो चोर जो चोर था हो सकता है अशर्फियों की थैली पा करके तोबा कर ले आइंदा चोरी ना करे वो बदकार औरत जो पैसे के लिए बदकारी करती थी जब उसको पैसा मिल जाएगा अशर्फियां मिल जाएंगी तो हो सकता है आइंदा वो बदकारी ना करे वो मालदार शख्स जो किसी को सदक़ा ख़ैरात नहीं करता था उसको एहसास होगा कि दुनिया में कितने लोग हैं जो अशरफियाँ लुटाने वाले हैं उसके अंदर भी खर्च करने का जज्बा पैदा होगा तो तीनों अशरफियों की थैलियाँ तुम्हारी अल्लाह के यहाँ कबूल हो गई हैं मेरे भाइयों सदक़ा छुपा कर दो छुपा कर देना ये बेहतर कभी कभी आदमी जाहिर करके देता है अल्लाह के नबी सल्हु वसलम की सहाबा थे कभी कभी कहीं पर मस्जिद की तामीर हो रही है कहीं पर मदरसे की ज़रूरत है आदमी ऐलान किया है कि मस्जिद का तामीरी काम चल रहा है तमाम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें अब कोई नहीं उठ रहा है एक शख्स खड़ा हुआ कहा दस हज़ार मेरी तरफ़ से बस सुनते ही लोगों में जोश आया कहा ये शख्स दस हज़ार दे रहा है इसकी कोई हैसियत नहीं तो दूसरा खड़ा होता है कहता है मेरी तरफ से बीस हज़ार तीसरा खड़ा होता है कहता है मेरी तरफ़ से पचास हज़ार तो इस तरीके से कभी कभी दिखा कर देना भी अफजल है जहाँ हालात ऐसे हों यहाँ किसी की कि शख्सियत नहीं मजरूह होती है यहाँ लोगों को जोश दिलाना है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कभी कभी ऐसा ऐलान करते थे और साहब के नाम इस तरह से सदक़ा व खैरत करते थे अल्लाह के नबी सल्ला वलम मेम्बर पर बैठे आपने ऐलान किया कि लोगों यहूदी का जो कुआँ है बिर रूमा उसको ख़रीदना है तुम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जमा करो ज़्यादा से ज़्यादा माल इकट्ठा करो हैत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तार्न खड़े हुए कहा अल्लाह के रसूल क्या ज़रूरत है सदका करने की पैसा वसूलने की क्या ज़रूरत है लोगों से माल लेने की अकेला उस्मान खरीदेगा अल्लाह अकबर कभी कभी ऐसे हालात होते हैं जंग तबूक के मौका पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत से मुकाबला है लिहाजा तुम लोग माल इकट्ठा करो बहुत सारे साहबा ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक माल इकट्ठा किया वहाँ पर दिखाना जरूरी था ताकि लोगों को जोश आए उमर बिन ख़ताब रजी अल्लानु कहते हैं कि उस वक्त मेरे पास बहुत माल था और मैंने सोचा कि मैं कभी अबू बकर से आगे नहीं निकला हूँ आज मौका है अबू बकर से आगे निकल जाऊँगा कहते हैं जितना माल था मेरे पास मैंने दो हिस्से किए एक हिस्सा नबी की खिदमत में लेकर गया एक हिस्सा घर में रखा अल्लाह के नबी नबीसम ने देखा तो खुश हो गए कहा उमर ये तो बहुत ज़्यादा माल लेकर आए कहा हुजूर मेरे घर में जो भी था मैंने उसके दो हिस्से किए एक हिस्सा आपकी खिदमत है एक हिस्सा घर में है थोड़ी देर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तला आ रहे हैं वो भी पूरा माल लेकर आ रहे हैं हमारे नबी ने पूछा कि अब बकर तुम क्या लाए हो कहा हुजूर जो घर में था सब ले आया हूँ जो घर में था सब ले आया हूँ तो कभी कभी ऐसा दिखा कर देना भी जायज़ और दुरुस्त है हमारे असलाफ हालात के हिसाब से करते थे बहरहाल इस हदीस में जो बताया गया है वह रजुल तसद आकफा हा तमा शिमा लू मातफिको यमीन हो अल्लाह उस शख्स को अपने अर्श के साय में जगह देगा जिसने अपने दाहिने हाथ से खर्च किया बाएँ हाथ को मालूम नहीं पड़ा कि उसके दाहिने हाथ ने क्या खर्चा किया है तो आप किसी शख्स की मदद कर रहे हैं तो उसकी शख्सियत को मजरूर ना होने दें छुपा कर दें उसकी इज्जत भी बाकी रहे और आपका सदका भी हो जाए ये बेहतर तरीका है इसी तरीके से सातवाँ शख्स व रजुल ज़क्र अल्लाह खालीन फफाज़त आना सातवा शख्स जिसको अल्लाह तबार व तआला अपने अर्श के साय में जगह देगा जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया फफाजत आना और उसकी आँखें अशकबार हो गई अल्लाह का खौफ आप आप मजलिस में हैं अल्लाह के घर में है इतनी बड़ी तादाद में है खुतबा हो रहा है जुमा का दिन है बातें सुन कर के कुरान हदीस की बात सुन कर के इमोशनल हो जाना रोकते खड़े हो जाना आँखों से आंसू निकलना ये अलग है ये भी अल्लाह का खौफ है इसकी भी अहमियत है लेकिन तन्हाई में रोना जब सारी दुनिया सो रही हो तन्हाई में अल्लाह को याद करना इसका मतलब आपके दिल में अल्लाह का खौफ बहुत ज़्यादा है हो सकता है मजलिस में रोएं तो आपके दिल में यह बात आए कि कोई देख रहा है लेकिन जब तन्हाई में रोते हैं रात के अंधेरे में तहज्जुद की नमाज में आप रोते हैं तो उस वक्त कोई देखने वाला नहीं होता हमारे असलाफ का तरीका था तहज्जुद की नमाज में अल्लाह के सामने रोते थे गिड़गिड़ाते थे सजदे में पड़े रहते थे आंखों से आंसू बहाते थे अल्लाह से दुआएं करते थे तौबा और इस्तफार करते थे रात के अंधेरे में तन्हाई में रोना अल्लाह को बहुत पसंद है अल्लाह तबारक ताली उस शख्स को अपने अर्श के सायब में जगा देगा व रजुल ज़क़र अल्लाह खालीन फफादत अना जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया और उसकी आँखें अशकबार हो गईं। तन्हाई में रोया करो तन्हाई में अल्लाह को याद किया करो रात के अंधेरे में उठ करके अल्लाह के सामने हाथ फैलाया करो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक तआला दिन में अपना हाथ फैलाता है ताकि रात में गुनाह करने वाला तोबा कर ले अल्लाह तआला रात में अपने हाथ फैलाता है ताकि दिन में गुनाह करने वाला तोबा कर ले रात की तन्हाई में रोना रात की तन्हाई में इबादत करना रात की तन्हाई में अल्लाह का जिक्र करना रात की तन्हाई में तोबा करना ये अल्लाह को बहुत पसंद है और यह हर एक को नसीब नहीं होता है कितने लोग ऐसे हैं जो रात में अल्लाह को याद ही नहीं करते हैं ज़िक्र ही नहीं करते हैं व रजुल जक्र अल्लाह खालीन फ़फाजत अना वो शख्स जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया और उसकी आंखें अशबार हो गई अल्लाह को याद करना तन्हाई में ये अल्लाह को बहुत पसंद है कभी कभी इंसान आज आज तन्हाई का मामला क्या है इंसान जब अकेले होता है तो गुनाहों में ज़्यादा पड़ता है ये मोबाइल ये मोबाइल ये शैतान की शक्ल में हमारे पास जो आ गया है हमारे नौजवान तन्हाई में रहते हैं तो अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए उनके हाथ में कोई किताब नहीं होती है उनके हाथ में क़ुरान नहीं होता है उनके हाथ में किसी किसी आलिम की लिखी हुई या किसी मकर की कोई तकरीर का, वो नहीं सुनते हैं वो क्या करते हैं आ, अपनी मोबाइल को खोलते हैं क्या क्या देखते हैं छोटे छोटे बच्चे जो अभी शुरू को नहीं पहुँचे हैं वो मोबाइल में पूरा दिन मोबाइल में बिजी रहते हैं रात में भी तनहाई में वो बेहतरीन साथी मिल गया है अक्सर लोग मोबाइल का गलत इस्तेमाल करते हैं मोबाइल में गंदी गंदी चीज़ें देखते हैं गंदी गंदी बातें सुनते हैं मेरे भाइयों हर चीज़ के दो पहलू होते हैं मोबाइल बनाने वाले ने फायदे के लिए बनाया अभी आपके अख्तियार में है आप उससे क्या इस्तेमाल करते हैं अगर आप उससे अच्छी चीज़ें हासिल करेंगे तो ये आपको अच्छी चीज़ें देगी आप, आप मोबाइल उठाएँ उसमें सर्च करें आप जिस आलिम की तकरीर सुनना चाहते हैं आपको मिल जाएगा हरमैन के अइमा में से किसका किसका किसकी क़िलत आप सुनना चाहते हैं आपको मिल जाएगा बड़े बड़े वलमा की तकरीरें आप सुनना चाहते हैं आपको मिल जाएगा आप सुनना नहीं चाहते हैं आप पढ़ना चाहते हैं आप सर्च करें आपको बुखारी मिलेगा मुस्लिम मिलेगा हदीस की सारी किताबें मिलेंगी तफसीर की किताबें मिलेंगी वलमाए क्राम की लिखी हुई किताबें मिलेंगी सीरत पर बेहतरीन बेहतरीन किताबें मिलेंगी मेरे भाइयों लोगों ने उसको सही तौर पर भी इस्तेमाल किया ग़लत तौर पर भी इस्तेमाल किया लेकिन अक्सर लोग मोबाइल का ग़लत इस्तेमाल करते हैं अक्सरियत ग़लत इस्तेमाल करती है और ख़ास कर जब तन्हाई में होते हैं तो तन्हाई में मोबाइल का और ज़्यादा गलत इस्तेमाल होता है मेरे भाइयों तन्हाई में अल्लाह को याद करना और अपनी आँखों को अशबार करना ये अल्लाह को बहुत पसंद है अल्लाह तबारक ऐसे लोगों को क्यामत के दिन अपने अर्श के साय में जगह देंगे ये सात किस्म के लोग जो बयान किए गए हैं हमारी माएँ बहनें ख़वान् भी हमारे दरमियान मौजूद हैं और बड़ी तादाद में हैं खातान ये सोच रही होंगी कि ये सात लोग जो हैं इसमें सिर्फ मर्दों का तस्करा है ऐसा नहीं है ये सात जो हैं मर्दों के साथ साथ ख़ात भी हैं पहली बात वो शख्स जिसने अपनी रियाया के दरमियान इंसाफ़ किया खवातीन को भी चाहिए कि अपनी मातहतीन के दरमियान इंसाफ़ करें एक खातून हैं जिनके चंद बच्चे हैं अपने बच्चों के दरमियान इंसाफ़ करें अपनी बच्चियों के दरमियान इंसाफ करें पिछले जुमा के खुतबे में मैंने वो वाकया बताया था कि एक खातून हज़रत आयशा सद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तास आईं और उनके पास दो बेटियाँ थीं खजूर के दो टुकड़े करके दोनों बेटियों को दे दिया खुद नहीं खाया खुद नहीं खाया हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तह ने जब अल्लाह के नबी नबीम से ये वाकया बताया तो आपने फरमाया वो औरत जन्नत में जाएगी उसने अपनी बेटियों के दरमियान इंसाफ किया है तो खवतान को चाहिए कि अपनी औलाद के दरमियान इंसाफ करें वो औरतें जन्नत अल्लाह के अरश के साय में होंगी इसी तरीके से बाज़ खात हैं जिनकी कई बहुएँ हैं बहुओं के दरमियान इंसाफ करना चाहिए यहाँ खीन को इसलिए एक्सप्लेन करना पड़ता है कि बहुत सारी हमारी खवतान ये समझती जब तक उनका नाम ले करके ना बताया जाए और उनका तस्करा ना किया जाए समझती हैं सारी बातें मर्दों के लिए होती हैं खवतान को चाहिए कि अपने बच्चों के दरमियान इंसाफ करें अपनी बहुओं के दरमियान इंसाफ करें लेकिन होता अक्सर ऐसा है कि कोई भी खातून अपने एक बेटे को या एक बेटी को ज़्यादा चाहती है उसका ज़्यादा ख्याल करती है दूसरे औलाद को नजरअंदाज कर देती है या इसी तरीके से बहुओं के दरमियान इंसाफ़ नहीं करती एक बहू को बहुत ज़्यादा चाहती है दूसरे बहुओं को नहीं चाहती ये गलत है ये गलत है तमाम औलाद आपकी हैं तमाम के दरमियान इंसाफ़ होना चाहिए तमाम बहुएं आपकी हैं तमाम बहुओं के दरमियान इंसाफ होना चाहिए इसी तरीके से दूसरा शख्स नशाफ़ी इबादत ला वो नौजवान जिसने जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारी हो यहाँ मर्द भी मुराद हैं औरतें भी मुराद वो ख़ातन या वो लड़कियाँ जो शबाब को पहुँच चुकी हैं उनको चाहिए कि अपनी जवानी की हिफाजत करें ऐसी जगहें ना जाएँ ऐसे लोगों से दोस्ती ना करें जहां उनकी इज्जतें महफूज ना हों वो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत की तरफ़ तोज्जो दें हाँ, हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जब इंसान बुजुर्गी को पहुँचता है जब उसकी उम्र ढलने लगती है तब वो इबादत की तरफ बढ़ता है यही हाल खवातीन का भी है जब तक उनकी शादी नहीं होती है जब तक उनके बीवी बच्चे नहीं होते हैं ये सोचती हैं कि ये घूमने फिरने की उम्र है ये मौज मस्ती की उम्र है तो मर्दों के साथ औरतों में भी ये मिजाज है अल्लाह तबारक तआला जवानी के हर हिस्से का हिसाब व किताब लेगा और उम्र के हर हिस्से का हिसाब व किताब लेगा खसूसी तौर पर जवानी के बारे में अल्लाह ताला पूछेगा मर्दों से भी पूछेगा औरतों से भी पूछेगा कि हमने तुमको जवानी दी थी उस जवानी में तुमने कितनी इबादतें की हम देखते हैं सड़क पर चलने वाली ख़वात एक सत्तर साल की अस्सी साल की बूढ़ी पूरा पूर, पूरा बदन बुरके से ढका हुआ है एकदम बाहया बापर्दा उसकी बेटी उसकी पोती उसकी नवासी सत्रह साल की अठारह साल की बेपर्दा है अफसोस होता है वो बूढ़ी सत्तर साल की अस्सी साल की उसको पर्दे की जरूरत नहीं है उसको पर्दे की जरूरत नहीं है इसलिए कि वो कोई भी उसकी तरफ शहवत की निगाह से नहीं देखेगा लेकिन संस्कार ऐसा है तरबियत ऐसी है उनके मां बाप ने कैसी तरबियत की थी कि सत्तर साल की हो गई अस्सी साल की हो गई लेकिन उसने अपना बुरका नहीं छोड़ा आजकल की खातन आजकल की बच्चियां सत्रह साल की अठारह साल की पर्दा ही नहीं करना चाहती हैं और पर्दा तो छोड़ो कितनी खवतिन ऐसी हैं जो दुपट्टा ही नहीं इस्तेमाल करती हैं दुपट्टा नाम की कोई चीज नहीं रह गई तो जिस तरीके से मर्दों को अल्लाह तबारक तला अपने अर्श के साय में जगा देगा खुवान भी होंगी नौजवान खवातीन को चाहिए कि जवानी में अल्लाह की इबादत करें यह अल्लाह को ज़्यादा पसंद है तीसरा शख्स जिसका दिल मस्जिद में लगा रहता है खवातीन को भी चाहिए मस्जिद में लगा रहने का मतलब यह है कि नमाजों का वक्त पर पाबंदी के साथ अदा करना वरना मस्जिद में कोई काम नहीं है मस्जिद में आदमी आता है तो नमाज़ पढ़ने के लिए आता है मस्जिद में उसका दिल लगा रहता है यानी नमाज वक्त की पाबंदी के साथ जमात के साथ पढ़ता है यही मसला खवातीन का भी है खवातीन को भी चाहिए कि अपने काम काज को छोड़कर पहले नमाज पढ़ लें वक्त पर नमाज अदा करें यह ज़्यादा बेहतर है अल्लाह के नबी ससन ने फरमाया कि वो खवातीन जो वक्त पर नमाज पढ़ती हैं पंज वक्ता नमाजों का अहतमाम करती हैं और चार चीज़ों का जिक्र किया वो औरतें जन्नत के दिस दरवाजे से चाहेंगी दाखिल हो जाएंगी तो नमाज़ों की पाबंदी करना ख़्वीन के लिए भी है मर्दों के लिए हाँ फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि मर्दों को मस्जिद में हाजिर होकर के जमात की पाबंदी के साथ पढ़ना है और औरतों को अल्लाह तबार को तौ ने इस तकलीफ़ से आज़ाद रखा है वो घर में पढ़ सकती हैं लेकिन अगर कोई ख़्वीन मस्जिद में आना चाहें तो उनके लिए मस्जिदों के दरवाज़े खुले हुए हैं तो इस तरीके से अल्लाह तबार को ताल ने उनको जमात की पाबंदी की शर्त नहीं रखी है वो घर में वक्त पर नमाज पढ़ लें यह अल्लाह तबार को तौला को ज्यादा पसंद है खवातीन भी किसी से दोस्ती करें तो अल्लाह के लिए दुश्मनी करें तो अल्लाह के लिए ऐसी खवातीन जो अल्लाह के लिए एक दूसरे से दोस्ती करती हैं एक दूसरे से दुश्मनी करती हैं उनको अल्लाह तबार को तौर अपने अर्श के साय में जगह देगा पांचवा शख्स जिसको किसी औरत ने बदकारी के लिए बुलाया मनसब वाली थी हसीन और खूबसूरत थी लेकिन उसने इनकार कर दिया यही हाल औरत का है कि औरत को अगर किसी ने बदकारी के लिए बुलाया वो बड़े अहदे पर है हसीन और खूबसूरत भी है लेकिन ये औरत कहती है नहीं भाई मुझे अल्लाह का डर है मैं अल्लाह से डरती हूँ ये ऑफिसों में काम करने वाली कॉल सेंटरों में काम करने वाली खवातीन अल्लाह हिफाजत फरमाए बेहयाई बेशर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है इज्जतें महफूज नहीं हैं मैं ये नहीं कहता हूं कि खातन सर्विस नहीं कर सकती हैं जॉब नहीं कर सकती हैं लेकिन जॉब करना सर्विस करना ये उस वक्त दुरुस्त होगा जब आपकी इज्जत महफूज हो जहां पर हो, आपके आने जाने में कोई ख़तरा ना हो आप जहां क्याम करती हैं वहां आपकी इज्जत का ख़तरा ना हो तो ऐसी जगह में जॉब करना सर्विस करना कोई हरज की बात नहीं है लेकिन जहाँ मखलूत लोग हों बच्चों के साथ बैठना नौजवानों के साथ बैठना मर्दों के साथ बैठना उनके साथ गुफ्तगू करना उनके साथ तालमेल करना यह सही नहीं है इज्जत की हिफाज़त करना फ़र्ज़ है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि औरत चार चीज़ों का ख्याल करे तो और जन्नत के आठ दरवाज़े खोल दिए जाएंगे उसमें से एक शख्स है वह सन्नत फरजहा जिसने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की कितनी खवातीन ऐसी हैं जो पैसे की लालच में एक बात याद रखें कि जो जो पैसे के लिए काम करते हैं जो लोग जिन जिनको दिल में पैसे की मोहब्बत बहुत ज़्यादा आज जो ख़वान सर्विस कर रही हैं या जॉब कर रही हैं वो पैसे से बहुत मोहब्बत करती हैं होना तो ये चाहिए कि हमारे शोहर की जो भी आमदनी है हम उसी में गुजर बसर कर लेंगे हम उसी में अपना गुजारा कर लेंगे मोटा झोटा पहन लेंगे रूखा पीखा खा लेंगे लेकिन नहीं ज़माने के साथ चलने के लिए अपनी अपने स्टेटस को हाई करने के लिए अपनी सहेलियों के दरमियान अपना इम्प्रेशन जमाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने की कोशिश करती है और शौहर के पैसे पर उसका गुजारा नहीं होता ये खुद काम करती है इसके कई नुकसान हैं पहला नुकसान तो ये है कि उसकी इज्जत महफूज नहीं रहती है गैर मर्दों के साथ बैठती है दूसरा नुकसान सबसे बड़ा ये है कि जब औरत खुद कमाने लगती है तो अपने मर्द की इज्जत करना भूल जाती है और आज ये तो तलाक़ खुला के वाकयात जो हो रहे हैं ना इसका सबसे बड़ा सब यह है कि औरत ख़ुद मुख्तार हो गई है खुद कमाने लगी है खुद उसके पास पैसे हैं इसलिए वो कहती है मैं शोहर की मोहताज नहीं हूँ तो ये 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 गड़बड़ियाँ हैं जिसकी वजह से और जब पैसे का मोहताज हो जाती है तो लोग उसकी इज्जत का फ़ायदा उठाने लगते हैं उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने लगते हैं चंद पैसे दे करके उसकी इज्जतों को नीलाम करते हैं और आप देखेंगे कि औरतें किस कदर बदनाम हुई हैं मामूली चॉकलेट के लिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए प्रचार के लिए औरतें किस तरह ब्राहना होकर के प्रचार कर रही हैं किस तरह नंगा होकर के प्रचार कर रही हैं आप देख रहे हैं तो इस तरीके से मर्दों के साथ औरतें भी हैं उनकी भी उनको भी अपनी इज़्ज़त की हिफाज़त करनी चाहिए कितना भी पैसा मिल रहा हो और बुलाने वाला कितना भी बड़ा आदमी हो लेकिन उनको कह देना चाहिए कि नहीं भाई मैं अल्लाह से डरने वाली हूँ मैं मुसलमान हूँ मैं अपनी इज्जतों को नीलाम नहीं कर सकती हूँ तो इस तरीके से ऐसी खवतिन जो अपनी इज्जत की हिफाजत करेंगी अल्लाह तबारक ताली उनको अपने अर्श के सय में जगह देगा इसी तरीके से जिस तरीके से छठा शख्स जिसने सदका खैरा किया अल्लाह ताला उसको अपने अर्श के सए में जगह देगा खातन को भी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात करें मैं अक्सर ये बात कहता रहता हूँ बहुत सारी खवतानी समझती हैं कि पैसे तो मर्दों के पास रहते हैं जबकि यह गलत है कभी कभी ऐसा होता है हमारे जैब में एक पैसे भी नहीं होते हमारे जेब में एक पैसे भी नहीं होते हैं ऐसा आपके साथ भी होता होगा हर एक के साथ होता है लेकिन खातान हमेशा मालदार रहती हैं उनके पास माल रहता है उनके पास सोना रहता है उनके पास चांदी रहती है उनके पास बहुत माल रहता है लेकिन वो अपने आप को गरीब समझती हैं हज़ारों लाखों रुपए की मिलकियत होती है उनके पास लेकिन खवतान समझती हैं कि हम गरीब हैं नहीं खतान को अल्लाह ताला ने बहुत मजबूत बनाया खवीन को चाहिए कि मर्दों के साथ वो भी सदका करें और अगर उनके पास पैसे नहीं हैं तो हमारी जिम्मेदारियां हैं अभी हम नमाज़ के लिए जुमा के लिए निकल रहे थे हमने सोचा होगा मस्जिद में जा रहे हैं बहुत सारे लोग हफ्ते में एक दिन आते हैं दूसरी दूसरी मस्जिदों में रहते हैं तो आपने सोचा होगा ना कि मस्जिद की झोली में कुछ डालना है जुमा का दिन है कुछ सदका खैरा करना है सोचा होगा नहीं तो जिस तरीके से हम अपने लिए ये प्लान बना के आते हैं कि आज किसी गरीब की मदद करनी है आज मस्जिद की झोली में डालना है हमें चाहिए कि हम घर से निकलते वक्त अपनी बीवियों के हाथ में भी पैसे दें क्योंकि वो भी मस्जिद में आ रही हैं, वो भी सदका खैरात करना चाहती हैं। अपने बच्चों के हाथ में दें उनसे भी सदका खैरात करवाएं तो इस तरीके से मिजाज बनाना चाहिए कि मर्दों के साथ साथ खुतन भी ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात करें तौर पर खवतान ये समझती हैं कि सदका खैरा करना बांटना, लोगों में तकसीम करना ये मर्दों का काम है ये बात गलत है इसलाफ़ की तारीख पढ़ें सहाबियात ने और इस तरीके से हमारी असलाफ की औरतों ने अल्लाह के रास्ते में इतना खर्च किया कि अगर उनकी मिसालें दो तो मेरे भाइयों वक्त नाकाफ़ी होगा इतनी खर्च की हैं सिर्फ एक मिसाल देता हूँ मैं आपको सबको मालूम है अल्लाह के नबी वसल्लम वसमिन के मौका पर ईदालफ़ितर और ईद अजहा के मौका पर जब मर्दों से खिताब कर लेते थे तो औरतों से खिताब करते थे औरतों से खिताब करते वक्त तो आप फरमाते थे अये औरतों सदका करो मैंने देखा है जहन्नब में तुम्हारी तादाद बहुत ज़्यादा है एक खातून उठी और कहा कि अल्लाह के रसूल जहन्नब में हमारी तादाद ज़्यादा क्यों है तो कहा तुम शोहरों की नाशिक्री करती हो तुम शोहरों की नाफरमानी करती हो इसलिए जहनम में तुम्हारी तादाद ज़्यादा है लिहाजा तुम ज्यादा से ज्यादा सदका खैरत करो हैत बिलाल कहते हैं कि नबी ने ऐलान किया ज्यादा से ज्यादा सदका खैरात करो हमने अपनी झोली फैलाई और खातीन ने हमारी झोली में अपने सोने के जेवरात डाल दिए किसी ने गले का हार डाला किसी ने हाथ के कंगन डाले किसी ने कान की बाली डाली इस कदर डाला खातीन ने अपने जेवरात को कि हमने जो कपड़ा फैलाया था वो जेवरात से भर गया वो गरीबी का दौर था वो मुफलसी का दौर था सुबह को खाते थे तो शाम का इंतज़ाम नहीं रहता था शाम को खाते थे तो सुबह का इंतज़ाम नहीं रहता था लेकिन उस वक्त की खातन ने अल्लाह के रास्ते में अपने जेवरात दे करके अल्लाह तबार को को खुश करना चाहा आज ये तरक्की का दौर है आज ये माल और दौलत का दौर है आज हमारे घरों में अल्लाह तबार को ने कितनी खुशहालियाँ दी हैं लेकिन आज कभी मस्जिद की झोली में हार आता है कभी कंगन आते हैं क्यों क्यों इसलिए कि खवातीन अपने माल से बहुत मोहब्बत करने लगी अपने माल से बहुत मोहब्बत करने लगी जिस तरीके से अल्लाह तबारक वाली मर्दों को अपने अर्श के साय में जगह देगा सदका व खैरात की वजह से ऐसे औरतों को भी जगह देगा अपने अर्श के साए में सदका व खैरात करने की वजह से मेरी माओ और बहनों सदका व खैरात करो अल्लाह के रास्ते में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करो अल्लाह तला ने तुम्हें भी, भी दिया है और मर्दों को चाहिए कि जिस तरीके से अपने रिश्तेदारों को अपने हाथ से देते हैं खुातिन के हाथ में भी दें कि वो भी अपने रिश्तेदारों की मदद कराएँ वो भी ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात करें मर्दों को भी चाहिए औरतों को भी चाहिए और हमें चाहिए कि बच्चों के हाथ से भी सदका खैरात कराएँ इसी तरीके से आ, वो आखिरी शख्स जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया और उसकी आंखें अशकबार हो गई मर्दों के साथ औरतों को भी चाहिए कि तन्हाई में अल्लाह से डरें तहजद का अहतमाम करें हमने देखा है पहले ख़वान में ये जज्बा ज़्यादा था हमारी बूढ़ी माँ दादी नानी जो गुज़र गईं उनके अंदर अल्लाह का खौफ था वो अल्लाह से डरने वाली थी आज कितनी ख़ात हैं जो पंच वक्ता नमाज़ों का भी अहतमाम नहीं करती हैं तहजद तो दूर की बात है हमारे यहाँ अगर अगर किसी के बेटे की शादी हो गई घर में बहू आ गई तो अगर वो वो औरत तहज नहीं पड़ती है तो लोग उसको कहते थे अरे अब तो सास बन गई है अब तो तेरे घर में बहू आ गई है कम से कम अब तो तहजद का अहतमाम कर ऐसी औरतें जिनके घर में बहुएं आ जाती थीं वो तहजद का अहतमाम करने लगती थीं आज ना बूढ़ी औरतों को फ़िक्र है न जवानों को फ़िक्र है मेरी माँ और बहनों तहजद का अहतमाम करो अल्लाह के सामने रो अल्लाह के सामने गिर जाओ ये दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी ये दुनिया की रंगीनियाँ ये इंसान को इंसान को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाने वाली हैं हमारे साथ हमारा हमारा अमल जाएगा इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह को याद करें तन्हाई में उठ करके अल्लाह के सामने रोएं गिरएँ अगर नमाज़ नहीं पढ़ सकती हैं कम से कम दुआएँ करें अल्लाह के सामने हाथ फैलाएँ अल्लाह तबारक वाली रात में रोने वालों को रात में हाथ फैलाने वालों को अल्लाह माफ़ करता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद का अहतमाम करते थे आपके पाँव में वरम आ जाता था हजरत आयशा कहती हैं अल्लाह के रसूल अल्लाह ने आपके तमाम गुनाहों को माफ कर दिया है आपको इस कदर इस कदर परेशान होने की क्या जरूरत है तो आप कहते थे क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूँ मेरे भाइयों हजरत जैनब के तालुक़ से आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि ने देखा कि मस्जिद नबूई में एक रस्सी दोनों खंभों के दरमियान बंधी हुई है आपने पूछा कि यह रस्सी किसने बांधा है कहा यह जैनब की रस्सी है कहा क्यों बांधा गया है कहा रात में वह इबादत बहुत करती हैं रात में इबादत बहुत करती हैं जब थक जाती हैं तो रस्सी पर टेक लगा कर इबादत करती हैं कितना शौक रहा होगा हजरत ज़ैनब को इबादत करने का अल्लाह के नबी ने फरमाया ये रस्सी खोल दो और ज़ैनब से कहो जब तक उनका उनका जब तक वो होश में रहें और जब तक उनका जिस्म साथ दे तब तक इबादत करें और जब नींद का गलबा हो और जब थकान महसूस हो तो जाकर सो जाएं मेरे भाइयों मर्दों के साथ साथ औरतों को भी इबादत में दिलचस्पी लेनी चाहिए सदका खैरात ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को अपने अर्श के साए में क़यामत के दिन जब अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा अल्लाह ताला हम सबको अपने अर्श के साए में जगह नसीब फरमा अल्लाह ताला तब को दीन और दुनिया की भलाई नसीब फरमाए दुनिया और आखरत में कामयाबी नसीब फरमाए अल्लाह हम सबको सच्चा पक्का मुसलमान बनाए जब तक दुनिया में रखे इस्लाम पर कायम रखे खातमा हो तो ईमान बिल बिलखैर पर हो रबना तकब्बल मन्ना इन न कांत समी उलिम वतुबलैना इन न अंत तवाबरहीम रहीम रहमती का या अरहमर राहमी नामी الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا سلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعل منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعل منهم عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان ويتايذ القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر، أقيموا الصلاة